हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय एडवेंचर चैनल गौरव एडवेंचर में। तो हर बार की तरह नई माउंटेनिंग वीडियो लेके आपके सामने पहुंचा हूं एंड इस बार हम बात करने वाले हैं पद्म भूषण और माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पहले एवरेस्टर तेंजिंग नोर्गे शेरपा के बारे में। तेंजिंग नोर्गे माउंट एवरेस्ट के साथ साथ केदारनाथ पे भी क्लाइम करने वाले पहले मनुष्य बने जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने के बाद माउंटेनिंग की दुनिया को एक नई ऊर्जा दी। और इनकी माउंटेनिंग क्लाइंबिंग की वजह से और माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने की वजह से ही आज भारत में और विश्व में माउंटेनिंग इस लेवल पे पहुंच पाई है। तो शुरू करते हैं इनके बचपन से। इनका जन्म उत्तरी नेपाल के थेम नामक जगह पे हुआ था और बचपन से ही इनका माउंटेनिंग और एडवेंचर में बहुत ही इंटरेस्ट था। हालांकि पढ़ाई लिखाई में इनका इतना ध्यान नहीं था। कुछ महीने तक एक भिक्षु का जीवन यापन करने के बाद इन्होंने नौकरी की तलाश में भारत में दार्जिलिंग के लिए निकल गए। भारत के अंदर बंगाल आने के बाद उन्होंने एवरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे मिशनों में हिस्सा लिया, ब्रिटिश मिशन के अंदर शामिल हो गए। तेंजिंग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और 1933 में जब वो भारत आए थे उस वक्त भी उन्हें कुत्ते पालने का शौक था और कॉफी पीने का शौक था। और बचपन से ही माउंटेनिंग में रुचि रखने के कारण वो एक बहुत अच्छे माउंटेनियर भी बन चुके थे। तेंजिंग को अलग अलग नामों से भी जाना जाता था, जैसे नोर्गे को नोर्गे के नाम से भी जाना जाता था और इनका जो मूल नाम था वो नागयाल वांगरी भी था। इसके अलावा उन्हें खुमजुंग भाटिया भी कहलाया जाता था। 1935 में वो एक कूली के रूप में सर एरिक स्टीफन के साथ जुड़े तथा उनके प्रारंभिक एवरेस्ट अभियानों में भी हिस्सा लिया। उसके आगे कुछ सालों में वो लगभग हर एवरेस्ट अभियान से जुड़े रहे। लगभग दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वो कूलियों के सरदार तक बन गए थे और इसी वजह से वो ज्यादातर एक्सपीडिशन में साथ गए थे। 1952 में स्विस पर्वतारोहियों ने दक्षिण की तरफ से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया तथा दो अभियान किए। इन दोनों में भी वो सरदार के रूप में उनके साथ थे। 1953 में वो अपने सातवें प्रयास में सफल होने से पहले 1952 के अंदर वो स्विस एक्सपीडिशन का हिस्सा रहे और रेमंड लैबर्ट के साथ चढ़ाई करते हुए वो 28,200 फीट तक पहुंच गए थे और सिर्फ लगभग 250 मीटर ही दूर थे लक्ष्य से। पर उसी दौरान वहां का मौसम काफी ज्यादा बिगड़ने लगा और उनके ऑक्सीजन की भी खपत होने लगी और टेम्परेचर जो था वहां का -60 डिग्री तक पहुंच चुका था। और इन्हीं सारी वजहों के बीच उन्हें वापस भी अब नीचे की तरफ आना पड़ा और अगले साल यानी 1953 में 7 अंग्रेज और 2 इंग्लैंड के माउंटेनियर्स के साथ उन्होंने फिर से प्रयास करने की सोची और 9 अप्रैल लगभग -45 डिग्री के टेम्परेचर में उन्होंने ये प्रयास स्टार्ट किया। और अब 1953 में भी वो एक सरदार के रूप में ही ब्रिटिश एक्सपीडिशन से जुड़े थे और इस बार जो उनके पार्टनर थे सर एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। दक्षिण पूर्व पर्वत क्षेत्र में लगभग 8,504 मीटर की ऊंचाई पर वो अपने तंबू से निकलकर जब 29 मई यानी उनके बर्थडे के दिन ही लगभग 11:30 पे वो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच चुके थे। अब वो संसार की सबसे ऊंची चोटी पर थे और उन्होंने सेलिब्रेशन भी ऐसे की, वहां पे पहुंच के उन्होंने फोटो खिंचवाई और मिटकेक खाते हुए सेलिब्रेशन की और लगभग 15 मिनट वहां पे बिताए। हालांकि उन्हें फोटो क्लिक करना नहीं आता था, इसी वजह से आप कभी भी देखेंगे तो पहले जो एवरेस्ट क्लाइम हुआ था उसके अंदर सर एडमंड हिलेरी की फोटो नहीं होगी उसके अंदर। इसका एक रीजन और है, जब तेंजिंग नोर्गे ने एडमंड हिलेरी को बोला कि मैं आपकी फोटो क्लिक कर देता हूं तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जो एडमंड हिलेरी थे वो काफी शर्मीले किस्म के इंसान थे। इस बीच जब वो वहां पे पहुंचे थे तो अपने जेब में कुछ मिठाई लेके गए थे तो अपने जेब में से उन्होंने मिठाई निकाली और एवरेस्ट को भी खिलाई। तेंजिंग जिस एक्सपीडिशन में गए थे उस टीम के जो लीडर थे जॉन हार्ट थे। हालांकि इस बार सफलता पाने से पहले वो लगभग 6 नाकाम हो चुके थे और एडमंड हिलेरी भी इससे पहले 2 नाकाम हो चुके थे। बट कहा जाता है ना कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, तो मेहनत करते रहिए आपको अपना लक्ष्य मिल जाएगा। इसके बाद भी वो यहीं पे नहीं रुके, भारत के अंदर, नेपाल के अंदर और ब्रिटेन से भी उन्हें अवार्ड मिला और एक बहुत बड़ी सफलता है जो हम आगे जानेंगे। तो अब बात करते हैं उनकी सफलताओं की। लगभग 1936 से लेके 1953 यानी जब तक उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम किया था एक सक्रिय रूप से वो एवरेस्ट क्लाइंबिंग से जुड़े हुए थे। 1959 यानी 1959 में उन्हें भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जिस साल उन्होंने एवरेस्ट क्लाइम की थी उसी साल उन्हें नेपाल सरकार की तरफ से 1953 के अंदर ही नेपाल तारा के सम्मान से सम्मानित किया गया था। एवरेस्ट क्लाइम करने के कुछ समय बाद ही रानी एलिजाबेथ ने भी उन्हें बुलाया और तथा जॉर्ज मेडल से उन्हें सम्मानित किया था। जॉर्ज मेडल किसी विदेशी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भी माना जाता है। यहाँ तक कि एक स्विस कंपनी ने तो उनके नाम से शेरपा तेंजिंग लोशन और लिप क्रीम भी बेचा था। हालांकि हमें पता है उनके पार्टनर जो सर एडमंड हिलेरी थे वो न्यूजीलैंड के रहने वाले थे तो वहां पे भी उनके नाम से एक कार का भी लॉन्च किया गया। उस कार का नाम शेरपा था। सन 2008 में नेपाल के एयरपोर्ट लुक्ला एयरपोर्ट का नाम बदलकर तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट भी रख दिया गया था। इसके अलावा अब बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। तो व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने 3 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम था दावा फूती, जिससे उनको 3 संतानें हुई जिसमें
जिसमें से एक लड़का जो था वो 4 साल की उम्र में मर गया था। और आंग निंगा और पैम पैम जो जुड़वा बहनें थी उसको जन्म देने के साथ ही उनकी पहली पत्नी का भी निधन हो गया था। हालांकि इस वजह से उन्हें काफी ठेस भी पहुंची थी। इसके बाद उन्होंने आंग लामो से शादी की। आंग लामो को तैनजिंग के पर्वतारोहण के जीवन का स्तंभ भी माना जाता है। हालांकि उनसे उनकी कोई संतान पैदा नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने लामो की चचेरी बहन डाको से शादी की। अपनी तीसरी पत्नी से उन्हें 3 संतानें प्राप्त हुई, नोबू, जामलिंग और थाम्बे, जिसमें से जामलिंग ने भी अपना माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और 1996 के अंदर उन्होंने भी अपना माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पूरा किया था। उन्होंने अपनी एवरेस्ट क्लाइंबिंग के बाद HMI यानी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था और वहाँ पे भी उन्होंने अपना प्रशिक्षण दिया एंड अपने जो एक्सपीरियंस थे वो सबके साथ शेयर किए थे। जो HMI था वो जस्ट एवरेस्ट क्लाइंबिंग के बाद ही बनाया गया था। जो तेंजिंग नोर्गे की मृत्यु हुई थी वो भी दार्जिलिंग के अंदर ही हुई थी, यानी जहाँ पर उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई थी वहीं पर अपना अंतिम वक्त भी गुजारा। तो दोस्तों आई थिंक आपको तेंजिंग नोर्गे के बारे में बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली होंगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट माउंटेनिंग वीडियो में। सो टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड टेक केयर।